दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। लुधियाना के हंबड़ा रोड पर विनोद कुमार जैन द्वारा पर्युषण पर्व पर भव्य कीर्तन का आयोजन किया गया। पर्युषण पर्व के तीसरे दिन सीएचई परिवार के विनोद कुमार जैन, उषा जैन, विपुल जैन, एकता जैन, गगन जैन, श्रुति जैन की ओर से शास्त्र शिरोमणि श्री कल्प सूत्र का लाभ लिया गया। सुशील जैन मोही, अमित तोरी, सौरभ जैन, अमित जैन आदि ने भगवान महावीर जी के मधुर भजन गाकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज विशेष तौर पर उपस्थित हुए। इस दौरान सीएचई परिवार एवं जैन समाज के गणमान्यों ने श्री विज का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर दैनिक सवेरा टाइम्स के लुधियाना ब्यूरो प्रमुख नीरज मैनरा, श्यामलाल चड्डा, श्री आत्मानंद जैन महासभा के प्रधान सुरेंद्र मोहन जैन, विनोद जैन जैनसन, श्री आत्मानंद जैन सभा के संरक्षक रमेश जैन बरड़, प्रधान कश्मीरी लाल जैन, महामंत्री सिकंदर लाल जैन, कैशियर भूषण जैन, वल्लभ फैब्रिक्स के सुरेश जैन पाटनी, कोमल जैन ड्यूक, संजीव जैन पाटनी, सुंदरनगर भाईचारा क्लब के चेयरमैन रमेश जैन बिट्टा, लुधियाना जैन संक्रांति मंडल के संस्थापक प्रधान प्रवीण जैन दुग्गड़, राजेंद्र कुमार जैन, नरेश कुमार जैन कलकत्ता निटवेयर, किरण कुमार जैन महावीर, सौरभ जैन, नीलम जैन, सुखजीतलाल जैन, आरुषि जैन, निर्मल जैन, सिद्धि जैन, खुशी जैन, दविंदर जैन, पारसमणि, संजीव जैन स्वास्तिक, संजीव जैन, आरवी ओसवाल, डॉक्टर संदीप जैन, राकेश जैन, महावीर आदि सहित सदस्यगण उपस्थित रहे। लुधियाना से कैमरामैन रोहित कुमार के साथ सुरेश गर्ग की रिपोर्ट। इक्कीस बार श्रवण करने से
पीड़ा पार हो सकता है और आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। वो महाग्रंथ आज भाई विनोद जी के घर में आया और उसका असर देखिए कि लुधियाना ही नहीं अभी भूपाल से भी भगत जन जो है परमात्मा की उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए यहाँ आ पहुंचे हैं। श्री शीशल देव जी जिसको पंजाब में कौन नहीं जानता और जिन्होंने क्रांति लाई है मीडिया में दैनिक सवेरा के माध्यम से, जब उनको भी पता चला कि आज लुधियाना में परम पूज्य उपाध्याय श्री जोगेंद्र विजय जी महाराज की पावन निशा में महापर प्रयोजनों का जो कार्यक्रम चलता है उसके अंतर्गत जैन धर्म की परंपरा अनुसार आज श्री कल्प सूत्र जी की जो महाग्रंथ है जो उसमें वाणी परमात्मा की भरी हुई है जिसका श्रवण आने वाले 5 दिनों में सबको कराया जाएगा और ये लाभ भाग्यशाली देता है जो उस ग्रंथ को हमारे गुरुओं को गौराता है और वो ग्रंथ गौराने का लाभ भाई मनोज जी ने प्राप्त किया, धन्य हुए, सबको धन्य बनाया और आज इस भावना में शीशल जी भी आ पहुंचे हैं। परिवार की ओर से, जैन समाज की ओर से हम शीतल जी का बहुत बहुत भव्य स्वागत और अभिनंदन करते हैं और परमात्मा के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि ये अपने मीडिया के माध्यम से भारत में हमारे देश में ऐसी क्रांति ला दें कि जन जन जो है सुखी हो जाए, सुखी हो जाए। इसी भावना के साथ एक बार फिर मैं शीतल जी का समाज की ओर से भी हमारे अध्यक्ष हमारे जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं उन सब की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ।